नमस्कार फ्रेंड्स, क्विक सपोर्ट ओडिया यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत जनाऊँ। सो फ्रेंड्स, जिला स्वास्थ्य समिति पक्षर निजुक्ति सूचना रही तो ए आप्लाय करने आपंकर योग्यता कौन ररमा के सिलेक्शन प्रोसीडियर कौन रहा डिटेल्स एक्सप्लेन ये भिडे कि करी देखु सब जिले कि प्रार्थी मैंने कि आवेदन करें। सो फ्रेंड्स, चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु आग को ये भाव में नुआ जॉब अपडेट्स प्रथम पापारे। तो फ्रेंड्स, प्रथम आपंकर ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम रोच जिला स्वास्थ्य समिति। हू कैन अप्लाई, क्यों मैंने कि अप्लाई करें देखु ऑल ओडिशा समस्त कैंडिडेट ये कि अप्लाई करें। तो नेक्स्ट रोच जॉब टाइप, तो जॉब टाइप आपंकर गवर्नमेंट जॉब जोटा कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे रहइबो। देन नेक्स्ट होची जेंडर, देखंतु जेंडर बोथ मेल एवं फीमेल कैंडिडेट एथिरे कि अप्लाई करि परिबे। तो एबळ किछि आपंकर एथिरे कि रहउची। नेक्स्ट होची पोस्ट नेम, पोस्ट नेम रहउची एंटोमोलॉजिस्ट जोटा कि गोटे पोस्ट रे वैकेंसी रहउची। इंसेक्ट कलेक्टर दीटा पोस्ट रे वैकेंसी रहउची। तो एबळ किछि आपंकर एथिरे कि पोस्ट रे कि वैकेंसी रहइची। तो नेक्स्ट होची एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बा शिक्षागत योग्यता, देखु एंटोमोलॉजिस्ट पाई पीजी ता सहित आपण माने जियोलॉजी रे की करथिबे एवं बायोसाइंस लाइफ साइंस, तो ये सब सब्जेक्ट रे जदि पीजी करछंती 50% मार्क रखी कि देन एथिरे कि आपण माने अप्लाई करि परबे बा एलिजिबल अटंती। नेक्स्ट होची इंसेक्ट कलेक्टर जथिरे आपणकर क्वालिफिकेशन बीएससी जियोलॉजी विथ 50% मार्क रखिक आपरिकी जो पास होती देन ये कि इलीजिबल अटंती। दे नेक्स्ट रोच देखु फ्रेंड्स एज लिमिट रोच, देखो एज लिमिट आपंकर अप टू 40 इयर्स पर्यंत मैंने आपंकर 40 वर्ष भितर जब एज रही देन आपरे कि इलीजिबल अटंती। सैलरी, तो सैलरी रोच एंटोमोलॉजिस्ट पाई 30,620 पर मंथ। इनसेक्ट कलेक्टर पर 22,490 पर मंथ आपको ये कि सैलरी मिल। तो ये किसी सैलरी रोच, सैलरी बहुत भल रोच। नेक्स्ट रोच आप्लिकेसन फीस, एथिरे कौन सी प्रकार आप्लिकेसन चार्जेस ना, हाउ टू अप्लाई केमी अप्लाई करेंगे देखो। तो स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट माध्यम ये कि अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट रोच इम्पोर्टेंट डेट, तो इम्पोर्टेंट डेट रोच 4/11/2023 5टा पीएम पूर्व ही आपको ये कि स्पीड पोस्ट बा रजिस्टर पोस्ट करने आपको पड़ो। सिलेक्शन प्रोसीडियर जदि देखा तोटार कि केवल इंटरव्यू हम कौन सी प्रकार अदर रिटन एग्जाम होना, खाली इंटरव्यू हम 100 मार्क रखी। तो जो मान स्कोर अधिक रहा सिलेक्शन हो, तो ये किसी कि रोच देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो कौन सब डॉक्यूमेंट रही आम देखा ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट लगे 10th टू आरंभ करके आपंकर पीजी पर्यंत बाक अच्छे तो देपारे। बायोडाटा फॉर्म बा एप्लीकेशन फॉर्म जोटा कि अच्छी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि अटैच हो तो सहीटा को प्रिंट आउट करके फिलअप करने पड़ो। नेक्स्ट हूँ टू रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तापर रोच एक्सपीरियंस जो अच्छे तो देपारे आईडी प्रूफ आधार भोटर पैन एवं ड्राइविंग लाइसेंस अच्छे तो ये कि देपारे। तो ये किसी आपंकर डॉक्यूमेंटर आवश्यकता रही, ये सब डॉक्यूमेंट जो अच्छी तेल आपरे कि अप्लाई करेंगे स्पीड पोस्ट बा रजिस्टर पोस्ट जरिया। तो फ्रेंड्स, आपण मैंने देखिपे ये आपंकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी रोच जिला स्वास्थ्य समिति अनुगुल डिस्ट्रिक्ट तरफ जारी करोटा कि 5/10 रे कि ये आपंकर आसी नोटिफिकेशन टी। तो ये आपंकर प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे रोच, बयस आपंकर देखिपे ये कि इतने कि आपंकर देखु 21 वर्ष रु आपंकर एज स्टार्टिंग होउची। तो आपण माने 21 वर्ष जदि अछंती 21 वर्ष रु ही आपण माने अप्लाई करि परिबे। दी प्रकार पोस्ट होउची एंटोमोलॉजिस्ट रे गोटी रहउची, इनसेक्ट कलेक्टर रे कि दीटा पोस्ट रे वैकेंसी रहउची। तो एटर एप्लीकेशन अप्लाई रे कि लास्ट डेट रहउची 4/11/2023 एप्लीकेशन रिसीप्ट रे कि लास्ट डेट रहइची। तो ये किसी रोच देखो यार डिटेल्स दिखाई, तो आपड़ी को चेकआउट करेंटा हूँ से आप्लिकेसन फर्म ये फर्म टी फिलअप करेंगे, फिलअप करके आपको पठाईपाई पड़ो। जो एड्रेस टी आपर रोचारे कि यही एड्रेस रे कि आपको मानने फर्म टी फिलअप करके पठाईपाई पड़ो। तो यार देखो आप एड्रेस टी रोच देखिपे
ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର କମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର DHS ଅନୁଗୁଳ, ପିନ୍ ରହୁଛି 759122। ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟର ବା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟା ବହୁତ ବେନିଫିସିଆରୀ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଜବ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ଏଥିରେ କି ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା ବିଲୋ ଏଭରେଜ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଯଦି ଦେଖିବା ତ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତ ସେମିତି ସେତିକି ସମସ୍ତେ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ନିହାତି ଜବ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କି ଏଇସବୁ ଜବ୍ରେ କି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଜବ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ କି ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାନେ ହୃଦୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଖାନ୍ତି, ସେୟାର୍ କରାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଲୋକେସନ୍ କି ନାଁଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କି ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ କି ଲେଖା ଅନୁସାରେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ନେଇ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଦେନ୍ ମୋତେ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।